नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम व्रत के लिए लड्डू की रेसिपी बनाएंगे, जिसे हम सागार में भी खा सकते हैं। तो साबूदाने से बनाएंगे इसे हम, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं इन्हें। तो लड्डुओं के लिए देखिए, मैंने ये 250 ग्राम साबूदाना लिया है। इसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगोया है, इसके सॉफ्ट होने तक। आप चाहें तो रात भर के लिए भी इसे भिगो सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक चलनी में हम ये साबूदाना डाल देंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे, और इसे 10 से 15 मिनट तक हम रहने देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए, एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी लिया है। घी में ही बहुत टेस्टी बनेंगे, तो आप घी ही डालें इसमें। और देखिए, थोड़े से मैंने काजू और बादाम लिए हैं। इन्हें हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें हम भीगे हुए साबूदाना डाल देंगे और गैस को यहाँ मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। तो इसे 7 से 8 मिनट तक हम कुक करेंगे। तो देखिए, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे हल्के। आपको ज़्यादा कुक खाना, आप थोड़ी देर और कुक कर लीजिए इन्हें। और उसके बाद मैंने इसमें 150 ग्राम चीनी डाली है। आप चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ी देर इसे हम चीनी में पकाएंगे तो ये और कुक हो जाएगा, थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ी सी हम इलायची डालेंगे। तो देखिए, चीनी ने जो पानी छोड़ा, अब उसमें हम इसे कुक करेंगे। तो 4 से 5 मिनट में ये सूखने लग जाएगा थोड़ा सा। यहाँ मैंने फूड कलर डाला है, ये भी अगर आप खाना चाहें तो डालें, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, पर इससे लड्डू बहुत अच्छे दिखेंगे। और इसे 4 से 5 मिनट आप कुक करेंगे तो देखिए, इसका पानी सूख जाएगा और घी छोड़ देगा ये। अब आप इसे पहले ही बंद कर दें, क्योंकि ठंडा होने पर ये और ड्राई होगा। तो देखिए, अभी थोड़ा ठंडा हो गया है। इसे एक बर्तन में निकाल के हम और ठंडा कर लेंगे, जिससे कि आसानी से हम लड्डू बना सके। तो देखिए, काफ़ी ठंडा हो गया है ये आधे घंटे के बाद। अब थोड़ा सा हाथ पर हम घी लगाएंगे, और जिस साइज़ के हमें लड्डू बनाने हम हाथ में लेंगे, आप देखेंगे बहुत ही आसानी से इतने अच्छे और लड्डू बन जाएंगे ये। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, और बहुत सॉफ्ट बने हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से देखिए, आप ये साबूदाने के लड्डू बनाइए। बस आप इस तरह से किसी भी साइज़ के बना के रखिए। तो ये देखिए, लड्डू तैयार हैं। आप ड्राई फ्रूट से सजाइए इन्हें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और कई दिन ख़राब भी नहीं होंगे ये।